नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बिग बास्केट अकाउंट पर शॉपिंग कैसे कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है, फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो आपको यहाँ पे बिग बास्केट पे शॉपिंग जरूर करनी चाहिए। तो चलिए पूरा प्रोसेस सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिग बास्केट पर ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे मंगा सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट में मंगा सकते हैं, वो पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आप अकाउंट बना लीजिए और अकाउंट बनाने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप एप्लीकेशन भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको रेफर कोड जरूर डालना, जिससे आपको शॉपिंग करने के लिए रुपये भी मिल जाएंगे। तो ये बिग बास्केट का एप्लीकेशन है, इसको ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ तरीके का इंटरफेस खुल के आता है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको आ जाना है सबसे पहले होम पेज पे। तो यहाँ पे होम पेज में मैं ले आता हूँ, यहाँ पे पहले से खुला हुआ था। तो होम पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या आपको मिल सकता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे और फ्रूट ग्रेन्स वगैरह, ईटिंग के लिए, किचन के लिए, बेकरी, और यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ऑफर्स करते आ जाना। जैसे मान लीजिए आपको फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए तो इस पर टाइप कर देंगे और क्या क्या वेजिटेबल आपको अवेलेबल दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर जो है 49 रुपये किलो है, टमाटर 30 रुपये किलो और आलू जो है 35 रुपये किलो, तो कुछ उस हिसाब से है। और प्याज यहाँ पे देख सकते हैं कि 109 रुपये किलो है, और ये गोभी है जो 37 रुपये, तो अप्रॉक्सीमेटली उस हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या क्या शॉपिंग करनी वो आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए कि आपको शॉपिंग करनी है, जैसे मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ये टमाटर का। तो जैसे मैंने मान लीजिए टमाटर ऐड कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे टमाटर ऐड करना है तो ये ऐड आपका अकाउंट में हो जाएगा। फिर उसके बाद पीछे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप मान लीजिए कि आपको कोई और प्रोडक्ट ख़रीदना है, जैसे मान लीजिए कि आपको ख़रीदना है ये घी वगैरह ख़रीदना है, तो आपको घी मंगाना है तो आप घी भी मंगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमूल का घी है तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये भी ऐड हो गया। फिर उसके बाद इसके भी बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको डेली, जैसे मान लीजिए एक्टिव पॉपकॉर्न या लेज वगैरह मंगानी है, तो जैसे मान लीजिए 10 रुपये की लेज मंगानी है, 10 रुपये एक्टिव पॉपकॉर्न मंगाना है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप मान लीजिए आपने ऐड कर लिया, फिर उसके बाद और भी आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप इसी तरीके से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो भी आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पर आपको बास्केट में आपको दिखाई देने लगेगा। बास्केट पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेकआउट का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं शॉपिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें शॉपिंग करने के लिए दे दी है, पर अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये दो चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ये दो चीज़ें मैं परचेज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है। चेकआउट के ऑप्शन पर जैसे आप टैप कर देंगे तो यहाँ पर लोकेशन आपका दिखाई देने लगेगा। लोकेशन आपका जो है वो आपको दिखाई देगा, आप सर्च लोकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपका लोकेशन जो है वो लेने लगेगा। फिर उसके आगे लोकेशन लेने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। आपको हाउस नंबर, अपार्टमेंट, लैंडमार्क और होम एड्रेस है क्या है, और नाम अपना, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे देना होगा। तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैं अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट करने के बाद आपको थोड़ा सा वीडियो आपको बढ़ा देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिल कर ली है। फिल करने के बाद यहाँ पे हाउस नंबर, अपार्टमेंट नेम, लैंडमार्क वगैरह डाल दिया, और यहाँ पे एड्रेस कहाँ का है वो डाल दिया है, होम एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस या अदर एड्रेस, यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो मैंने हाइड कर रखा है। फिर उसके बाद अपडेट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अपडेट एड्रेस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख के आ रहा है और फिर उसकी एक OTP आपसे मांगेगा, तो यहाँ पर OTP आपको वेरीफाई करा देनी है। तो यहाँ पर OTP मेरी आ गई है, जो OTP ऑटोमेटिक उसने ले भी ली है। फिर उसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई और कंटिन्यू पे इजीली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका ये वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वेरीफाई जैसे ही आपका हो जाएगा, थोड़ा सा फिर से आपको एड्रेस जो सक्सेसफुली हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों ये दिखा रहा है कि
जो इसकी डिलीवरी चार्जेस हैं 50 रुपये ये लेगा डिलीवरी चार्जेस। तो दोस्तों ये 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस लेगा, तो आपको करना क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स और इसमें बढ़ा लेने हैं, क्योंकि 20 रुपये के प्रोडक्ट में अगर 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस लेगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए टाइमिंग मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी दूसरे दिन की, जैसे मान लीजिए मैं 3 तारीख को लेना चाहता हूँ, तो क्या 3 तारीख को भी डिलीवरी चार्ज लगा रहे हैं? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 4 तारीख को लेना चाहता हूँ तो डिलीवरी चार्जेस वो लगा ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पीछे बैक करके आपको कुछ और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ मैं और सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि डिलीवरी चार्जेस जो है वो ज़्यादा लग रहा है, जो वो अपना एडजस्ट हो सके। तो मान लीजिए मैं कुछ चीज़ें और मंगा लेता हूँ जिससे कि डेली यूज में क्या आता है वो मैं मंगा लेता हूँ। जैसे फ्रूट्स वगैरह मुझे मंगाने हैं तो फ्रूट्स भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे स्ट्रॉबेरी या फिर आप मान लीजिए ये संतरे मैं ऑरेंज मंगा लेता हूँ, ऑरेंज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद बनाना भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ग्राम में बनाना हटा देता है, बनाना नहीं सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आप और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे भी से मान लीजिए मैं नारियल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 1 किलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये पाइन एप्पल 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, नाशपत्ती नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये मैंने एप्पल सेलेक्ट कर लिए, कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। फिर बास्केट पे जाएंगे और चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद फिर से वो एड्रेस मैंने लिख ही दिया है, और एड्रेस पे यहाँ पे आप आ चुके हैं और 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्रोसीड टू पे पे ईजिली आपको क्लिक कर देना। प्रोसीड टू पे पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर जो है अवेलेबल है, 9 वाउचर आपके अवेलेबल है। तो अब वाउचर आपको कौन सा वाउचर आपको अवेलेबल करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट जो है वो नहीं अप्लाई होगा, तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्या ये वाला देखते हैं कि फर्स्ट 600 अप्लाई होगा कि नहीं, FIRST फर्स्ट 600 अप्लाई करके देखते हैं कि होगा कि नहीं। तो ये शायद फर्स्ट 600 वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पे बैक कर लेते हैं कि यानी इसका मतलब ये 600 रुपये से जब आप ऊपर शॉपिंग करेंगे तब आपका अप्लाई होगा। अब यहाँ पे दोस्तों और नीचे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट हो रहा है आपका 390 और 80 रुपये की आपकी सेविंग हो जाती है। तो 80 रुपये की सेविंग यहाँ पे हो गई है। फिर उसके बाद नीचे आपको पेमेंट्स मेथड आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो पेमेंट मेथड में आप देख सकते हैं कि क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग आपका दिखाई दे रहा है, और मोबीक्विक में 150 रुपये से ऊपर करेंगे तो 10% का सुपर कैश मिलेगा, यानी 390 रुपये में आपको 39 रुपये और भी कैश बैक मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री चार्ज से करेंगे तो आपका इसमें डिस्काउंट मिलेगा, 600 रुपये तक आप पेमेंट करेंगे, और एयरटेल मनी पे भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस पे यहाँ पे पेमेंट करते हैं एयरटेल मनी से। एयरटेल मनी पे 1000 रुपये, 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आप पेमेंट करेंगे तो आपका एयरटेल मनी पर भी आपका कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पर आप पेजैप का भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दो मेन है, एक है मोबीक्विक और एक है फ्री चार्ज, ये दो आपके मेन हैं जिनसे आप शॉपिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्पांस मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आप दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं 50 रुपये, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि डिलीवरी चार्जेस तो आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप यहाँ पर मेम्बरशिप भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक मेम्बरशिप का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मेंबरशिप का ऑप्शन है। तो जब आप ये यहाँ पे मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपका कभी भी नहीं लगेगा, और नो डिलीवरी चार्जेस ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेंबरशिप के फ़ीचर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंबरशिप के फ़ीचर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि मेंबरशिप लेने के लिए आपके 599 की है वैसे, लेकिन इस समय ऑफ़र के तहत आपको 299 रुपये में मेंबरशिप मिल रही, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो बैलेंस कटता है ये शॉपिंग का यानी डिलीवरी चार्जेस का, वो डिलीवरी चार्जेस के बैलेंस आपका नहीं कटेगा। तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, तो पर मैं मेंबरशिप अभी नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे इजीली बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद आपको पेमेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर मेरी सलाह है कि आप मोबीक्विक या फ्री चार्ज से करेंगे तो आपको ज़्यादा कैशबैक और भी फायदा होगा। फिर नीचे आप आ जाएंगे तो नीचे और भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो आप पेटीएम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी और टिकट रिसीव
रेस्टोरेंट आप इससे भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या ओला मनी से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ओला मनी से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ COD अगर आप करना चाहते हैं तो COD भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं COD करने वाला हूँ, तो मैं COD पे क्लिक कर देता हूँ। COD पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना। प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉपिंग जो है ये देखिए, या योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है, और ये देखिए मैसेज भी आ चुका है तो ऑर्डर आपका प्लेस कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर देंगे और ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिग बास्केट पे शॉपिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।